Welcome to Insight SSB, an initiative by Five Times Recommended and All India Ranked 26 CDS2 2018. Don't forget to subscribe and click on notification bell to get updated whenever we post. Also download Insight SSB app for various courses. So our first question is, which state used Nightingale 19 and Karmi Bot robots to minimize the ह्यूमन इंटरेक्शन इन दी कोविड 19 ट्रीटमेंट? तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने दो रोबोट्स जिनके नाम है नाइटिंगेल 19 एंड कर्मी बोट, वो डेवलप किए कोविड 19 के ट्रीटमेंट में हेल्प करने के लिए. तो ऑप्शंस हैं ए केरला, बी कर्नाटका, सी गोवा एंड डी महाराष्ट्र. तो इसका आंसर है ए केरला. एक्चुअली केरला वॉज द स्टेट जिसने दो ये रोबोट्स नेम्ड नाइटिंगेल 19 एंड कर्मी बोट ये डेवलप किए सो दैट ये रोबोट्स फूड, मेडिसिन एक्सेट्रा सप्लाई कर सकें कोरोना वायरस पेशेंट्स को, ताकि जो पेशेंट्स एंड अदर हेल्थ वर्कर्स के बीच में जो एक इंटरेक्शन है उसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल रिड्यूस हो सके और कोरोना वायरस का जो स्प्रेड होने का रेट है उसको हम डिक्रीज कर सके. सो इट वॉज अ वेरी गुड इनिशिएटिव बींग टेकन बाय द स्टेट केरला. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट द रोबोट नेम कर्मी बोट एंड नाइटिंगेल 19 इज एन इनिशिएटिव ऑफ स्टेट केरला. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म दैट वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय पीएम मोदी टू क्रिएट स्मॉलर यूनिट्स बिग बाय सॉल्विंग देयर ग्रीवांस, इंकरेजिंग, सपोर्टिंग, हेल्पिंग एंड हैंड होल्डिंग. सो ये एक नया टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो कि पीएम मोदी के द्वारा अभी रिसेंटली इन 2020 ये रिलीज किया गया है, ये लॉन्च किया गया है. सो लेट्स सी द ऑप्शंस. ए योद्धास, बी चैम्पियंस, सी विजय, डी विनर्स. तो इसका आंसर है बी चैम्पियंस. एक्चुअली दिस इज़ अ रीसेंट इनिशिएटिव दैट वॉज बींग लॉन्च्ड बाय पीएम मोदी और ये चैम्पियन जो है इट स्टैंड्स फॉर क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ. तो ये इसकी एक पूरी फुल फॉर्म है एंड दिस इनिशिएटिव इज बीइंग लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई. तो ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसका कि ये मेन एम है कि जो स्मॉल यूनिट्स हैं उनको बिग किया जाए विद द हेल्प ऑफ सपोर्टिंग देम, विद द हेल्प ऑफ रिड्रेसिंग देयर ग्रीवांसेस, एनकरेजिंग देम, सपोर्टिंग देम एंड हेल्पिंग देम इन एवरी पॉसिबल मैनर. तो हमें ये याद रखना है कि पीएम मोदी ने जो रीसेंट टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म रिलीज किया है वो है चैम्पियंस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंडर आता है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which country that currently holds BRICS presidency hosted the meeting of the BRICS heads of tax authorities? तो हमसे उस कंट्री का नाम पूछा गया है जिसके पास अभी करंटली BRICS की प्रेजिडेंसी है और जिसने रिसेंटली अभी BRICS हेड ऑफ टैक्स अथॉरिटीज की एक मीटिंग होल्ड की है. आर ऑप्शंस आर ए साउथ अफ्रीका, बी चाइना, सी रशिया, डी ब्राज़ील. और इसका आंसर है सी रशिया. एक्चुअली रशिया करंटली होल्ड्स द ब्रिक्स प्रेसिडेंसी एंड उन्होंने ही रिसेंटली ये जो मीटिंग है ये होल्ड की है वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ड्यू टू द कोविड 19 पैंडमिक सिचुएशन. इट स्केड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन मॉस्को जो कि नहीं हो पाई और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुई. इस जो कॉन्फ्रेंस का मेन डिस्कशन था वो था टैक्स मैटर्स के ऊपर एंड द रिस्पॉन्स ऑफ टैक्स अथॉरिटीज एज वेल. सो इसके चलते जो मेन क्वेश्चन यहाँ पे हमें बन जाता है वो है ब्रिक्स के ऊपर. एक्चुअली ब्रिक्स वॉज फॉर्म्ड इन 2019 जब ये सिर्फ ब्रिक था. इसमें सिर्फ चार कंट्रीज थी, दैट इज़ ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना.
But in 2010, South Africa, this S stands for South Africa, got added into it and it became BRICS. BRICS ke jo headquarter hai, that is very important for us to remember, that is in Shanghai, China. BRICS ke jo headquarter hai, wo Shanghai mein hai, aur BRICS stands for Brazil, Russia, India, China and South Africa. इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है ब्रिक्स का, इट इज़ एक्चुअली टू डीपन कॉपरेशन अमंग मेंबर कंट्रीज़ फॉर डेवलपमेंट. इसमें जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, ये एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं और एक दूसरे की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं. सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु हैज़ वन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 मेंस सिंगल टाइटल? एंड आर ऑप्शंस आर ए राफेल नडाल, बी नोवाक जोकोविक, सी डोमिनिक थीम, डी रॉजर फेडरर. द करेक्ट आंसर इज बी नोवाक जोकोविक. ये अभी रिसेंटली इवेंट हुआ ऑस्ट्रेलियन ओपन, जिसमें कि नोवाक जोकोविक एक्चुअली डिफीटेड डोमिनिक थीम. ही डिफीटेड हिम एंड ही वन दिस टाइटल. दिस टाइटल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू रिमेंबर बिकॉज 2020 men's single is being won by Novak Djokovic and 2020 women's single Australian Open title is being won by Sofia Kenin. You have to remember this, Sofia Kenin, who actually defeated Garbine Muguruza. So the winner of 2020 men's singles title Australian Open is Novak Djokovic. The next question is, under Operation Sanjeevani, India has supplied essential medicines and food grains to which country? हमसे ये question पूछा गया है कि recently एक operation launch किया गया संजीवनी, जिसमें कि इंडिया ने किसी देश को बहुत ही essential medicines and food supply किया. So we have to tell the name of that country. Our options are A. Myanmar, B. Sri Lanka, C. Bangladesh and D. Maldives. So our answer here is D. Maldives. This is a very important question because Sanjeevani is an operation which is launched by Indian Air Force, jisme ki inhone almost 6.2 million tons of essential services and other food items ye jo the ye deliver kiye Maldives mein. As you all know, due to the COVID-19 pandemic situation, the entire country was locked down and Maldives mein ye cheeze pahunchane ka initiative Indian Air Force ne liya, and the aircraft that was being used in this particular operation is Hercules C-130J. This is very important for us to remember, this can be asked. So we have to remember that Operation Sanjeevani is directly linked to Maldives and it was launched by Indian Air Force. Let's move on to the next question. Our next question is, multilateral air combat military exercise Pitch Black 2020 was cancelled. The Pitch Black is conducted by Royal Air Force of which country? सो पिच ब्लैक एक एक्सरसाइज है, एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि किसी कंट्री की रॉयल एयरफोर्स के थ्रू कंडक्ट की जाती है. सो हमें उस कंट्री का एक्चुअली नाम बताना है. ए कजाकिस्तान, बी जापान, सी ऑस्ट्रेलिया, डी सिंगापुर. इट्स करेक्ट आंसर इज सी ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया इज़ द कंट्री जो कि ये एक्सरसाइज कंडक्ट करती है. And recently, due to COVID-19 situation, ये exercise recently cancel की गई. And इस साल India को भी इसमें part लेना था. And India for the first time participated in this particular exercise in 2018. So ये बहुत ही important exercise हो जाती है Australia and India के बीच में, Pitch Black, जो कि recently cancel हुई है. And it is conducted by the Royal Air Force. And one more exercise जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में होती है इज ऑसिंडेक्स, विच इज़ अ नेवल एक्सरसाइज. सो यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड बिकॉज ऑसिंडेक्स ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में होती है, विच इज़ अ नेवल एक्सरसाइज, एंड पिच ब्लैक
is an exercise which is conducted by the Royal Air Force of Australia. So let's see the next question. What is the theme of the International Day for Biological Diversity 2020? So International Day for Biological Diversity celebrate हुआ था इस साल भी 22 मई को, और इसकी हमसे थीम पूछी गई है. सो लेट्स सी दी ऑप्शंस. ए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी फॉर SDG. SDG स्टैंड्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. बी आर सॉल्यूशंस आर इन नेचर. सी स्ट्रेटजिक प्लान ऑन बायोडाइवर्सिटी. डी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन अहेड. तो इसका जो आंसर है वो है बी आर सॉल्यूशंस आर इन नेचर. थीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो This year also on 22nd of May 2020, UN, United Nations ने ये International Day for Biological Diversity celebrate किया, and इसकी जो theme रखी गई वो रखी गई Our Solutions Are in Nature. Actually ये day conduct किया जाता है ताकि हम जो biodiversity issues हैं उसके importance को highlight कर सके. So we'll see the next question now. कोविल पट्टी कदलाए मिटाए has been granted the geographical indication tag, that is GI tag, in which state is Kovilpatti located? So GI tag becomes very important for us to know. So यहाँ पूछा गया है कि Kovilpatti Kadalai Mitai जो है वो जिसको अभी recently GI tag मिला है वो actually किस state को belong करती है. So our options are A Karnataka, B Tamil Nadu, C Kerala, D Andhra Pradesh. So its correct answer is B, Tamil Nadu. ये जो कोविलपट्टी कडलाई मिठाई है it actually belongs to the state Tamil Nadu. It is a popular candy there and it is actually made up of peanuts and jaggery syrup. It is made up of peanut and jaggery syrup and it has a very long shelf life and due to which it is being recently given GI tag. Let's see the next question. Lonard Lake that was in news recently is located in which state? हमसे पूछा गया है कि Lonard Lake recently अभी बहुत ज़्यादा news में थी, as you can see the picture also. ये किस state में है? Our options are A Odisha, B Gujarat, C Maharashtra and D Madhya Pradesh. And the correct answer is C Maharashtra. The Lonard Lake is located in Maharashtra. ये recent क्यों news में थी? क्योंकि recently जो वाटर है इस लेक का दैट एक्चुअली टर्नड पिंक, एज यू कैन सी हियर ऑल्सो इट टर्नड पिंक. दो द रीज़न फॉर चेंजिंग ऑफ द कलर ऑफ इट्स वाटर इज नॉट क्लियर. कुछ लोग कुछ साइंटिफिक रीजन्स बोलते हैं सैलिनिटी, कुछ बोलते हैं ड्यू टू एल्गे. सो द स्पेसिफिक रीजन इज नॉट स्टिल क्लियर बट द वाटर ऑफ दिस लेक टर्नड पिंक एंड due to which it was recently in news very much. It is a very notified National Geo Heritage Monument and a tourist hub as well. So we have to remember that it is a National Geo Heritage Monument. So Lonard Lake is located in Maharashtra. Let's move on to the next question. Hashtag I commit is a new campaign launched by which Union Ministry of India. So हमसे पूछा गया है कि hashtag I commit जो campaign है वो किस ministry के through launch किया गया है. तो इसके options हैं A Ministry of Power, B Ministry of MSME, C Ministry of Road Transport and Highways and D Ministry of Environment. So इसका correct answer है A Ministry of Power. Actually on World Environment Day जो कि 5th ऑफ जून को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, इन 2020 ऑन दिस डे दिस हैशटैग आई कमिट वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर. इट इज़ बेसिकली टू इंकरेज ऑल स्टेक होल्डर्स टू कंटिन्यू प्रोवाइडिंग एफिशिएंट सस्टेनेबल एनर्जी सिस्टम इन फ्यूचर. ये एक्चुअली बेसिकली है सस्टेनेबल एनर्जी को मेंटेन करने के लिए, इसको फ्यूचर में प्रोवाइड करने के लिए, इसको इंक्रीज करने के लिए. सो वेन एवर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू कम हैशटैग आई कमिट इज डायरेक्टली लिंक टू द मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड इट इज़ लिंक टू द सस्टेनेबल एनर्जी
plan. Next question is, the recently adopted Lucknow Declaration is related to which field? हमसे पूछा गया है कि recently जो एक Lucknow Declaration हुआ है वो किस field से related है. Our options are A. Imports and Exports, B. E-Governance, C. Defense Cooperation and D. Environmental Protection. So इसका सही आंसर है C. Defense Cooperation. Actually Lucknow Declaration adopt किया गया है इंडिया एंड अफ्रीकन कंट्रीज के द्वारा. एंड दिस डिक्लेरेशन इज बीइंग अडॉप्टेड ड्यूरिंग द फर्स्ट इंडो अफ्रीका डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव. यू हैव टू रिमेंबर इट, फर्स्ट इंडो अफ्रीकन डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव. ये हमारे बीच में और अफ्रीका के बीच में इंडो अफ्रीका का फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर का कॉन्क्लेव था, जो कि फरवरी में हुआ था 2020 में. और ये कॉन्क्लेव कब हुआ था? ये कॉन्क्लेव हुआ ड्यूरिंग 11th डेफ एक्सपो. डेफ एक्सपो इज व्हाट? डेफ एक्सपो इज डिफेंस एग्जीबिशन, जो कि इसी फरवरी में हुआ लखनऊ में. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट लखनऊ डिक्लेरेशन इज बिटवीन इंडो एंड African countries, almost 50 countries signed it. So it is a declaration between Indo-African countries which was adopted during first Indo-African Defense Ministers Conclave. और ये जो conclave था वो हुआ था during 11th Defense Expo. ये जो Defense Expo हुआ था इसमें ये जो conclave हुआ था और जिसमें ये declaration sign हुआ, इसका जो main purpose था declaration का वो था to deepen cooperation to combat terrorism and preserve maritime security. So the very main thing that we have to remember is that Lucknow Declaration is related to Indo-African countries and it occurred during first Indo-African Defense Ministers Conclave.